इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। शहर के मल्लातराई स्थित माध्यमिक विद्यालय एकलव्य कॉलोनी में मंगलवार को अभिभावकों ने दसवीं के परिणामों को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से स्कूल में चल रही एडमिशन की लॉटरी को भी रोकना पड़ा। मल्लातराई क्षेत्र के वार्ड 11 के पार्षद महेंद्र भगोरा ने बताया कि इस स्कूल में करीब 330 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर्स स्कूल में सिर्फ 4 हैं, जिसकी वजह से इस बार दसवीं बोर्ड के रिजल्ट में 36 में से 31 बच्चे फेल हो गए हैं और 2 बच्चों के सप्लीमेंट्री आई है, और अब इतने बच्चों के एक साथ फेल होने से बच्चों के भविष्य खतरे में आ गए हैं। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल में स्टाफ बढ़ाने को लेकर कई बार जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित में दिया गया, लेकिन 4 साल में सिर्फ 4 टीचर की बदौलत स्कूल चल रहा है, जिससे स्कूल की शिक्षा का स्तर भी घट गया है। इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम होने के बाद भी शिक्षा विभाग के आदेश नहीं आने के बावजूद भी दूसरी शिफ्ट को शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ने वाले अन्य स्कूल में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जबकि स्कूल में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं। स्कूल के इंग्लिश मीडियम होने से बच्चों के अभिभावकों ने काफी चिंता जाहिर की है। मैं महेंद्र भवरा वार्ड 11 से पार्षद हूँ। मेरे क्षेत्र में एक स्कूल है, दसवीं तक स्कूल है, उसमें करीब दो साल से 4 अध्यापक ही पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे करीब 350 बच्चे पढ़ते हैं और दसवीं में उनका रिजल्ट देखा मैंने अभी तो 38 बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें 31 बच्चे फेल हुए और 2 सप्लीमेंट आए, मतलब 5 बच्चे ही पास हुए। और 2 साल से बार बार लिखित देने के बाद भी यहाँ स्टाफ नहीं भेजा गया, उन दसवीं क्लास के बच्चों का जो भविष्य खराब हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी डीओ साहब आए, उनको मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने लिख के दे रखा है, आगे सरकार भेजेगी। इस तरह की बात करें, अभी स्कूल इंग्लिश स्कूल खुल गया है, इसके लिए कह रहे 31 अध्यापक यहाँ चयनित हो गए, तो 2 साल से यहाँ अध्यापकों की भर्ती क्यों नहीं की गई, इनके बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया गया, उनका भविष्य खराब किया गया। और अब 350 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, आदिवासी समाज के और अन्य समाज के और सभी समाज के यहाँ पे पढ़ते हैं, उनको अभी सेकंड शिफ्ट में चालू करने का कोई आदेश नहीं है और उनको कह रहे हैं कि बाहर के कहीं जाके पढ़ेंगे, तो पहले यहाँ लोकल बच्चे हैं कहाँ जाएंगे। और अभी इंग्लिश मीडियम खोल रहे हैं तो उन्होंने सेकंड शिफ्ट के लिए अभी कोई आदेश नहीं आया है, अभी कह रहे हैं इंग्लिश के ही फॉर्म लिए जा रहे हैं। मेरा नाम पन्नालाल तेली है सर। मेरा बच्चा जो पढ़ रहा था स्कूल में वो सप्लीमेंट आया, उसको पूरा साल बिगड़ गया, और जो अध्यापक है जो 350-400 पब्लिक पढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, उसको 31 में से सारे फेल हुए बच्चे यहाँ पे इसमें, और अध्यापक है जो कम है, जो पछतावा भेज रखे हैं आपको यहाँ, जो कोई अध्यापक नहीं आया यहाँ पे, इस वजह से हमारे बच्चे फेल हुए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है पूरी, और उचित है कि ये इंग्लिश मीडियम किया गया स्कूल, उसी समय अभी अध्यापक भी नहीं है तो इंग्लिश मीडियम कैसे चलेगा ये, क्या उसमें अध्यापक पहले जो पाल बांधते हैं पानी रोकने के लिए, वो पाल बांधते हैं उसके बाद पानी रुकता है, तो आपने पाल नहीं बांधी, उससे पहले आपको बच्चे को पढ़ाने लियो किए, उसमें हमारा ये जिम्मेदार कौन रहेगा इसमें। हाँ, मेरा नाम बेरूलाल है, मेरा बच्चा यही फेल हो गया दसवीं में, वो स्टाफ की कमी है। आपका बच्चा क्या नियमित था, क्या नियमित रूप से स्कूल आता था क्या? हाँ, रेगुलर आता था, बिल्कुल फेल हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये बच्चे बिल्कुल साल भर बिगड़ गया, बिल्कुल समस्या खत्म हो गया।